अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिरयानी, दम बिरयानी। तो उसके लिए मैंने जो है ये 1 किलो जो है मुर्गी लिया है, उसको अच्छे तरीके धो लिया है। उसके बाद उसमें हमने ये दही डाला है, लगभग ये दही जो है 150 ग्राम है। उसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, उसके बाद मैंने जीरा डाला, सौंफ, ये कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैंने ये जो है बिरयानी मसाला लिया है, बॉम्बे बिरयानी मसाला। ये जो है थोड़ा खड़े मसाले हैं, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, नमक, नमक स्वाद अनुसार रहेगा, बाद में हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये 3 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें आधा नींबू लिया है, नींबू का रस इसमें आधा डाला। फिर मैंने इसमें प्याज जो बघा रहा था उसका तेल जो है वो इसमें डाला है। अब इन सब को हम मिक्स करेंगे, कि में मेरे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसे जो है मिला लेंगे हम। देखिए इसी तरीके से हम मिला के फिर इसे जो है आधा से पौना घंटा के लिए हम इसे रख देंगे। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई लिया, उसमें मैंने प्याज तेल गरम किया, प्याज डाला। अब प्याज को जो है हम भूनेंगे। देखिए हमारी प्याज जो है भून चुकी है। हल्का ब्राउन हो चुका है, देखिए कितनी बेहतरीन। अब इसमें हम टमाटर, 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, और हरी मिर्ची है 4-5, ये सबको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर भूनेंगे। उसके बाद इसमें जो है हम मुर्गी डाल देंगे, जो मिक्स करके रखा था मसाला लगा करके, उसको सब इसमें डाल के फिर हम अच्छी तरीके से इसे जो है हम भूनेंगे, मतलब इसी में हम जो है पकाएंगे। देखिए हमारा जो है मुर्गी बन चुकी है। अब जो है इसे थोड़ा हम और भूनेंगे अच्छी तरीके से। देखिए हमारी मुर्गी एकदम बन के तैयार हो चुकी है। ये हमारा जो है ग्रेवी मुर्गी का बन चुका है। अब जो है एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें जो है पानी रखेंगे, नमक डालेंगे, और तो ये मैंने सूखे हुए नींबू लिए हैं, इससे जो है कलर अच्छा आता है, तेज़पत्ता डाला है। अब हम चावल को उबालेंगे, थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी डाली है, पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चावल को डाल के उबालेंगे। चावल मैंने जो है 1.25 किलो लिया है, 1.25 किलो यानी 750 ग्राम चावल है हमारा। देखिए हमारा चावल अब देख लेते हैं कि उबल चुका है। देखिए हमारे कितने किलो किलो चावल है, उबल चुके हैं। चावल उबालने में स्केप हो गया, मैंने तेल भी थोड़ा सा डाला था ताकि जो है चावल हमारे चिपके नहीं। उसके बाद जो है ये मैं इसमें तह लगाऊंगा। तो मैंने जो ग्रेवी बनाया है मुर्गी चिकन, वो जो है इसमें सब हम नीचे बिछा देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमारा मुर्गी बिछ चुका है। उसके ऊपर यह जो है हरी धनिया की पत्ती मैंने बारीक बारीक काट कर डाला, उसके ऊपर इसमें जो है थोड़ा सा हम पुदीना भी डालेंगे, पुदीने की हरी पत्ती। इस तरीके से तह लगाएंगे। हमारा तह लग चुका है, अब इसमें हम चावल डालेंगे।
जो चावल उबाल के रखा था वो चावल जो है अब इसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसे फैला देंगे। उसके ऊपर इसमें हम प्याज डालेंगे, नींबू डालेंगे जो रखे थे, और जो प्याज भून के रखा था थोड़ा मैंने निकाला था वो प्याज इसके ऊपर से अब हम डाल देंगे। इससे फ्लेवर अच्छा आता है। हमारी प्याज जो है अब अच्छी तरीके से इस पर लग चुकी है। इसके ऊपर ही पर से धनिया की पत्ती फिर डालेंगे, थोड़ा सा हरे पुदीने की पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा उसके बाद मैंने इस पर जो है टिश्यू पेपर लिया है, वो टिश्यू पेपर को इसके ऊपर से हम बिछाएंगे। हल्का सा कलर भी डालेंगे इस पे हम, ताकि जो है दो तीन कलर हमारा फ्लेवर आए। तो मैंने इसके लिए जो है खाने वाला कलर लिया है, थोड़ा सा दो तीन जगह ड्रॉप डाल देंगे इसका। इसके बाद इस तरीके से टिश्यू पेपर जो है हम इस पे लगाएंगे, फिर इसे हम स्टीम करेंगे, भाप में फिर बनाएंगे। चावल को पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 90% बनाना है, बाकी 10% जो है हमारा स्टीम में बनेगा चावल। उसके ऊपर से भाप ना निकले इसके लिए जो है हम एक जो है सूती कपड़ा से ले बनाएंगे, वो भी रख देंगे। अगर आप आटे की लोई लगाना चाहें तो आप आटे की लोई भी लगा सकते हैं। तो मैंने कपड़ा रखा है इस तरीके से लाल कलर का, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मेरे पास ये था तो मैंने इसको रख दिया। उसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे धीमी आँच पर एकदम लो पे इसे जो है स्टीम करेंगे। आधा से पौना घंटा स्टीम किया मैंने। उसके बाद हम खोल के चेक करेंगे कि हमारा बिरयानी जो है बन चुका है, कि चावल बन चुका है कि नहीं। तो ये देखिए हमारे चावल जो है एकदम जो है स्टीम हो चुके हैं, कितनी बेहतरीन बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी बिरयानी एकदम बेहतरीन है, चावल खिले खिले से हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिरयानी है। तो भाई अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए,